भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप से पहले बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को डेंगू हुआ है और उनका खेलना संदिग्ध है। भारत को विश्व कप का अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप के पहले मुकाबले से पूर्व शुभमन गिल का स्वास्थ्य बिगड़ना भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि सलामी बल्लेबाज ने हाल ही में कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी और सीरीज में गिल के बल्ले से शतक आया था। शुभमन गिल का रविवार को होने वाले मैच में खेलना संदिग्ध है। गिल पहले मुकाबले से बाहर रहते हैं तो ईशान किशन या केएल राहुल बतौर सलामी बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। वहीं पिछले कुछ समय से वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज शुभमन गिल को तेज बुखार है। शुक्रवार को उनका डेंगू का परीक्षण होगा, जिसके बाद उनके खेलने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के एक सूत्र ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि चेन्नई आने के बाद शुभमन को तेज बुखार है। शुभमन की अगली जांच शुक्रवार को होगी और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे या नहीं इसको लेकर मैच से पहले फैसला होगा। गिल ने बीते 7 पारियों में 2 शतकीय पारियां खेली हैं। उन्होंने बीती 7 पारियों में 104, 74, 27, 121, 19, 58 और 67 रन बनाए। डेंगू से उबरने में मरीज को सामान्य तौर पर 7 से 10 दिन का समय लगता है। भारतीय टीम के सूत्रों की माने तो गिल को लेकर मैनेजमेंट जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। गिल रविवार को खेलेंगे या नहीं इसका आखिरी फैसला चिकित्सा टीम की सलाह के बाद ही लिया जाएगा। अगर मेडिकल टीम ने उन्हें फिट घोषित किया तो गिल खेल सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका खेलना संदिग्ध लग रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।